I'm Jayashree and welcome to my channel. Hope you all guys well. पिछले वीडियो में हमने बात किया था PIVD के इंट्रोडक्शन के बारे में कि PIVD होता क्या है। आज के वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ PIVD डिस्कस करेंगे। PIVD की मेनली चार स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ बल्जिंग स्टेज, सेकंड इज प्रोट्रूजन स्टेज, थर्ड इज़ एक्सट्रूजन स्टेज एंड फोर्थ इज़ सिक्वेंट्रेशन स्टेज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ PIVD। PIVD की मेनली चार स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज बल्जिंग स्टेज, सेकंड इज प्रोट्रूजन स्टेज, थर्ड इज एक्सट्रूजन स्टेज एंड फोर्थ इज सिक्वेंट्रेशन स्टेज। अब हम देखेंगे कि नॉर्मली कि इस स्टेज में क्या क्या होता है, क्या क्या डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं डिस्क में। सबसे पहला होता है बल्जिंग डिस्क या बल्जिंग स्टेज ऑफ डिस्क। एट दिस अर्ली स्टेज द डिस्क इज स्ट्रेचेस एंड डज नॉट कम्प्लीट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप व्हेन प्रेशर इज रिलीव्ड। मतलब कि क्या हो रहा है कि जैसे डिस्क, अगर कोई हमारी जैसे नॉर्मल डिस्क है तो अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो जब वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा यानी कि वो प्रेशर हट जाएगा तो जो डिस्क है वो अपने नॉर्मल शेप में वापस चली जाएगी। लेकिन जो बल्जिंग स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि डिस्क अगर एक बार स्ट्रेच हो गई तो वो अपनी नॉर्मल शेप में वापस नहीं जा पाती है। इट रिटेन्स अ स्लाइट बल्ज एट वन साइड ऑफ द डिस्क। क्या होगा, डिस्क की एक तरफ बल्जिंग दिखेगी या बल्ज दिखेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सबसे पहले देखिए ये हमारी नॉर्मल डिस्क है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस और ये एनुलर फाइबोसिस बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब डिस्क बल्ज की स्टेज आती है तो डिस्क बल्ज की स्टेज में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ थोड़ी सी हल्की सी बल्जिंग दिखाई देती है, जैसे कि ये दिखाई दे रही है, एक तरफ हल्की सी बल्जिंग दिखाई देती है, ठीक है। ये बाहर नहीं जाता है, बस एक हल्की सी बल्जिंग दिखाई देती है स्टेज में। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। इट रिटेन्स अ स्लाइट बल्ज एट द वन साइड ऑफ डिस्क, मतलब स्लाइट बल्ज दिखेगा एक तरफ, जैसे मैंने आपको दिखाया। सम ऑफ द इनर डिस्क फाइबर कुड बी टॉर्न एंड सॉफ्ट जेली, न्यूक्लियस पल्पोसिस इज स्लिपिंग आउटवर्ड इनटू द डिस्क फाइबर बट नॉट आउट ऑफ द डिस्क। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी सॉफ्ट जेली या जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट करेगा, बट पूरा बाहर नहीं आएगा, वो न्यूक्लियस पल्पोसिस से बस एक तरफ मूव होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब हम आगे के स्टेजेस में देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेज आती है प्रोट्रूजन स्टेज। प्रोट्रूजन स्टेज में क्या होता है, प्रोट्रूजन स्टेज, एट दिस स्टेज द बल्ज इज वेरी प्रोमिनेंट, द बल्ज होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है एंड सॉफ्ट जेली सेंटर एज स्लिप्ड आउट टू द इनर एज ऑफ द आउटर फाइबर। मतलब कि जो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बाहर की तरफ मूव होना मतलब स्टार्ट करता है लेकिन पूरा बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पर एन्युलर फाइब्रोसिस की रिंग्स बनी हुई होती हैं, बेयरली हेल्ड इन बाय द रिमेनिंग डिस्क फाइबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रोट्रूजन स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये जो इसका डिस्क है ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, इसमें इतना नहीं दिख रहा, इसमें ये डिस्क और भी ज़्यादा जो बल्ज है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो ये डिस्क जो ये जो बल्ज होता है ये प्रोमिनेंट हो जाता है और जो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है ये बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है बट एनुलर फाइब्रोसिस के रिंग की वजह से ये बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड स्टेज जो कि है एक्सट्रूजन स्टेज। एक्सट्रूजन स्टेज में क्या होता है, इन केस ऑफ हर्निएटेड स्पाइनल डिस्क डिस्क द सॉफ्ट जेली हैज कम्प्लीटली स्पिल्ड आउट ऑफ द डिस्क एंड नाउ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द डिस्क फाइबर। अब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस था वो हमारा पूरा बाहर आ गया, ठीक है। जैसे कि ये स्टेज में दिखा रही थी मैं आपको कि इस स्टेज में वो बाहर नहीं आया था लेकिन जो हमारी एक्सट्रूजन स्टेज है उसमें ये न्यूक्लियस पल्पोस ये एनुलर फाइब्रोसिस के सारे रिंग्स को तोड़कर जो हमारा न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है ये बाहर की तरफ आ गया है, ये बाहर यानी कि डिस्क के बाहर की तरफ आ गया, इसने सारी रिंग तोड़ दी, ये हमारी एक्सट्रूजन स्टेज है, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द डिस्क फाइबर।
ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं जो कि होती है सीक्वेंसट्रेशन स्टेज। सीक्वेंसट्रेशन स्टेज जो होती है ये बहुत रेयर स्टेज होती है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेज, ये बहुत पेनफुल होती है। हेयर सम ऑफ द जेली मटेरियल इज ब्रेकिंग ऑफ अवे फ्रॉम द डिस्क इन टू द सराउंडिंग एरिया। अब इसमें क्या होता है कि अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है वो तो बाहर आता ही है, प्लस जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके भी छोटे छोटे से पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, और जेली लाइक मटेरियल बाहर आने लग जाता है। जैसे कि ये है कि एक्सट्रूजन स्टेज में ये केवल ये बाहर आ रहा था, लेकिन सीक्वेंसट्रेशन स्टेज में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस तो बाहर आ ही रहा है, लेकिन देखिए आप इसके ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियस बाहर निकला, न्यूक्लियस पर्पोसिस, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टेज है। और अब हम देखते हैं कि कॉमन साइट्स क्या होती हैं PIVD की। PIVD कॉमनली C5 C6 लेवल पर, L4 L5 लेवल पर और L5 S1 लेवल पर देखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। चेकआउट माई इंस्टाग्राम पेज, द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम पेज इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।